नमस्कार दोस्तों। वो कहते हैं ना, कोई तेरा साथ ना दे तो गम ना कर, कोई तेरा साथ ना दे तो गम ना कर। दुनिया में खुद से बड़ा कोई हम सफर नहीं होता। नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रदीप कुमार आपके लिए एक और बेहतरीन लेक्चर लेकर आया हूँ। प्यारे बच्चों, लास्ट लेक्चर हमने ना जैन धर्म का पढ़ लिया, कोई दिक्कत नहीं आई होगी आपको। और आज हम जय माँ सरस्वती का नाम लेके ना आज हम पढ़ेंगे मगध साम्राज्य। आज हमारा कौन सा साम्राज्य शुरू करेंगे? मगध साम्राज्य क्या करने वाले हैं, शुरू करने वाले हैं मगध साम्राज्य का, आप उत्कर्ष बोल सकते हो। आज हम मगध साम्राज्य के बारे में आपको पूरा डिटेल से पढ़ाएंगे। और बच्चे अक्सर पूछते हैं, सर ये हिस्ट्री करा रहे हो, ये मतलब किस एग्जाम के लिए सफिशियंट रहेगी? प्यारे बच्चों, आप कोई मर्जी एग्जाम दे देना, वन डे दे देना, पीसीएस एग्जाम दे देना, यूपीएससी प्री तक का एग्जाम दे देना, रेलवे, कोई भी सीजीएल, कोई भी जिसमें अगर जो मैं टॉपिक करवा रहा हूं ना, कितना भी बड़ा एग्जाम दे देना, अगर उस टॉपिक से क्वेश्चन आया तो आपका इस क्लास से पक्का आएगा, ये मेरी आपसे वादा है। या आप प्रीवियस मतलब ईयर के क्वेश्चन उठाकर देखो, टॉपिक से जो आपको करवाए उनसे एक क्वेश्चन भी बाहर गया हो तो। ठीक है, तो मगध साम्राज्य का उत्कर्ष पढ़ेंगे। और मैंने आपको जब है ना महाजनपद काल पढ़ा रहा था, महाजनपद काल पढ़ा रहा था, कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद थे। उनमें सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा होता था? मगध होता था, जिसकी कैपिटल कौन सी होती थी, राजगृह होती थी। पहले इसको किस नाम से जाना जाता था? गृह बर्ज के नाम से इसको जाना जाता था। ये सबसे शक्तिशाली होता था। और मैंने कहा था मगध महाजनपद का एक राजा होता था जिसका नाम होता था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने ना कितने महाजनपदों को जीतने का काम किया? 8 महाजनपदों को किसने जीता था? चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता। चंद्रगुप्त मौर्य का एक पोता होता था प्यारे बच्चों, सम्राट अशोक। तो सम्राट अशोक ने 16 के 16 क्या जीते थे? महाजनपद को जीतने का काम किसने किया था? सम्राट अशोक ने 16 के 16 क्या जीते थे? महाजनपद जीते थे। तो यहां से क्वेश्चन पक्का आएगा। गुड मॉर्निंग सर, यहां से क्वेश्चन पक्का एग्जाम में आएगा। आज का हमारा टॉपिक कौन सा साम्राज्य रहेगा? मगध साम्राज्य रहेगा। कि मतलब मगध साम्राज्य, आज आपने पहले लेक्चर में ये तो मैंने बताया था कि मगध शक्तिशाली होता था। अब आपको ये पता होना चाहिए कि मगध साम्राज्य सबसे शक्तिशाली किस वजह से, मगध साम्राज्य सबसे शक्तिशाली होता था। सुषमा जी गुड आफ्टरनून, गुड़िया। मगध साम्राज्य किस वजह से सबसे शक्तिशाली होता था, कौन कौन से ऐसे कारण थे जो मगध को क्या बनाएंगे, शक्तिशाली बनाएंगे। अब प्यारे बच्चों, आप कोई भी साम्राज्य पढ़ोगे ना तो उसके ना तीन कारण आपको पता होना चाहिए। एक तो मतलब वो शक्तिशाली होगा तो कोई उसके आर्थिक कारण होंगे, और एक अगर शक्तिशाली है तो उसके राजनीतिक कारण होंगे, और एक शक्तिशाली है तो उसके भौगोलिक कारण होंगे। अगर ये तीनों परिस्थितियां आपने समझ ली ना, फिर ये टॉपिक बिल्कुल आसान हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि मगध साम्राज्य क्यों शक्तिशाली था। कुछ आर्थिक है ना कारण थे, क्योंकि मगध की जो भूमि थी ना वो क्या थी प्यारे बच्चों, बहुत ज्यादा उपजाऊ थी। जैसे गंगा, सोन, गंडक मुहाने पर ये मगध साम्राज्य के आसपास का एरिया था, तो यहाँ की भूमि क्या थी, उपजाऊ थी। अब भूमि उपजाऊ हो गई ना तो प्यारे बच्चों क्या होगी, उपज ज्यादा होगी। उपज ज्यादा होगी तो क्या बच जाएगा, अधिशेष बच जाएगा। अधिशेष वो होता है प्यारे बच्चों, हम मतलब घर पर जितना अनाज हमें रखना है ना उतना रख लेते हैं, बाकी जो बच गया उसे क्या बोलते हैं, हम अधिशेष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अधिशेष बोलेंगे। तो मतलब उपजाऊ था तो उपज बच जाती थी अधिशेष के रूप में, उसका ये क्या किया करते थे, व्यापार किया करते थे। क्या किया करते थे? व्यापार से मतलब पैसा आएगा, तो ये मगध साम्राज्य को क्या बना रहा था, शक्तिशाली बना रहा था। राजनीतिक कारण मैं अगले पेज पर पढ़ाता हूँ। जय माँ सरस्वती का नाम लेके कोई चीज की शुरुआत करो, आपकी चीजें अच्छी जाएगी। राजनीतिक कारण बताता हूँ, ये राजनीतिक कारण क्या थे जिसके कारण ये शक्तिशाली था। क्योंकि प्यारे बच्चों इसमें ना इसके जो राजा हुए थे ना वो बहुत मतलब, जैसे हरियक वंश पढ़ोगे आप, शिशुनाग वंश पढ़ोगे आप, नंद वंश पढ़ोगे, तो ये राजा शक्तिशाली थे ना,
तो ये साम्राज्य अपने आप क्या हो जाएगा, शक्तिशाली हो जाएगा। राजनीतिक कारण है ना, इसमें सबसे पहले आप पढ़ोगे हरियक वंश, पढ़ोगे हरियक वंश आया था, उसके बाद आप पढ़ोगे ये जो शिशु हरियक वंश आया था, उसके बाद शिशु नाग वंश आया था। कौन सा वंश आया था? शिशु नाग वंश आया था। और उसके बाद आप पढ़ोगे प्यारे बच्चों, इसमें आपका नंद वंश आया था, नंद वंश आया था। और इसके बाद कौन सा वंश आया था? मौर्य वंश आया था। कौन सा वंश आया था? मौर्य वंश आया था। तो ये मगध साम्राज्य में चारों वंश शक्तिशाली थे, तो इनके राजा शक्तिशाली थे, इसलिए यह साम्राज्य क्या था? शक्तिशाली था। तो हरियक वंश का जो संस्थापक होता था ना, उसका नाम क्या होता था? बिंबिसार होता था। मैं ये सारी चीजें पढ़ाऊंगा। बिंबिसार शक्तिशाली था, उसका बेटा अजाद शत्रु क्या था? शक्तिशाली होता था। उदयन क्या होता था? शक्तिशाली होगा। तो राजा शक्तिशाली हो गए तो वो साम्राज्य अपने आप ही, शिशुनाग का जो शिशुनाग था ना वो भी शक्तिशाली था। इसके बाद जो काला शोक बना वो भी शक्तिशाली था। और नंद वंश में जो महा पद्मा नंद जो इसका संस्थापक था वो शक्तिशाली था। धना नंद वो भी शक्तिशाली था। मौर्य वंश में आप पढ़ते हो चंद्रगुप्त, मौर्य शक्तिशाली था। उसके बाद बिंदु सार शक्तिशाली होता था। और फिर सम्राट अशोक क्या होता था? शक्तिशाली होता था। इसलिए प्यारे बच्चों, जिस भी मतलब साम्राज्य के राजा शक्तिशाली होना, तो वो साम्राज्य शक्तिशाली होगा। आज नोटिफिकेशन नहीं आया, कोई बात नहीं गुड़िया जी, नोटिफिकेशन नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है। वेलकम सुनीता जी, ठीक है। तो आज हम पढ़ रहे हैं मगध साम्राज्य के बारे में, पढ़ रहे हैं मगध का उत्कर्ष, पढ़ रहे हैं कि किन किन कारणों से मगध साम्राज्य क्या होता था? शक्तिशाली होता था। अभी क्लास हमने शुरू की है, तो मगध का मगध महाजनपद था, वो सबसे शक्तिशाली महाजनपद होता था। और ये प्यारे बच्चों आज बताएंगे शक्तिशाली महाजनपद होने का कारण क्या था। तो इसका आर्थिक कारण है, यहाँ की जमीन उपजाऊ होती थी, उपज ज्यादा होती थी, अधिशेष बच जाता था, उसका ये व्यापार के रूप में प्रयोग करते थे। राजनीतिक कारण है कि यहाँ के जितने भी वंश आए वो शक्तिशाली थे, तो उनके राजा शक्तिशाली थे। हरियक वंश आया, संस्थापक बिंबिसार होगा। शिशुनाग वंश आएगा, संस्थापक शिशुनाग होगा। नंद वंश आएगा, संस्थापक महापद्मानंद होगा। मौर्य वंश आएगा, संस्थापक चंद्रगुप्त। मौर्य सारे शक्तिशाली थे। एक प्यारे बच्चों, ये सबसे ज्यादा भौगोलिक कारण पूछे जाते हैं, भौगोलिक परिस्थितियां भी है ना वो सफल बनाती है किसी साम्राज्य को। भौगोलिक कारण बताता हूं कि मगध साम्राज्य है ना, ये प्यारे बच्चों नदियों के मुहाने पर था। जैसे गंगा आप पढ़ते हो, गंडक सोन, ये नदियों के किस पर था? नदियों से घिरा था, नदियों से घिरा हुआ था। तो इस पर ना दूसरे है ना वो आक्रमण करने का सोचते भी नहीं थे, क्योंकि नदियों के से घिरे होने के कारण ना अंदर तक जाना मुश्किल था। और एक है ना इसकी जो राजधानी होती थी ना, आप राजगृह पढ़ोगे, ठीक है, बाद में पाटलिपुत्र थी, राजगृह है ना, ये कहते हैं पहाड़ियों पर क्या होती थी? राजधानी थी। अब प्यारे बच्चों, कोई है ना मतलब आक्रमणकारी नीचे से आ रहे हैं, ऊपर वालों के पास हथियार भी नहीं होंगे ना, तो भी वो किसी चीज ऊपर से फेंकेंगे ना तो नीचे वालों को वो मार सकते थे। तो ये पहाड़ियों से गिरा हुआ था, तो दुश्मन है ना इन पर अटैक करने का सोचते भी नहीं थे, लेकिन ये दुश्मनों पर अटैक करते थे, इसलिए ये जीतते थे। तो ये क्या था? शक्तिशाली था। एक है ना, ये जो मगध साम्राज्य है ना, इनमें घने जंगल होते थे। घने जंगल होंगे तो वहां से कौन सी लकड़ी प्राप्त होगी? कीमती लकड़ियां प्राप्त हुआ करती थी, ठीक है। और यहां से जंगल होंगे, और इन जंगलों से इनको क्या प्राप्त हुए? हाथी प्राप्त हुए। पहले प्यारे बच्चों युद्ध में ना हाथियों का प्रयोग किया जाता था। अब कोई सामने से घोड़े से लड़ रहा है और आपके पास हाथी हो, तो हाथी से युद्ध जीतना ज्यादा क्या होता है? आसान। तो इनके पास क्या थे? हाथी होते थे। और एक है ना, कहते हैं जो छोटा नागपुर का एरिया था ना, छोटा नागपुर का एरिया था, इससे ना इनको बहुत मात्रा में क्या प्राप्त हुआ था? लोहा प्राप्त हुआ था। तो इनको लोहा कहां से प्राप्त हुआ था? छोटा नागपुर के एरिया से प्राप्त हुआ। और उस लोहे से ना ये क्या बनाया करते थे? औजार बनाया करते थे। उस लोहे से ये क्या बनाते थे? छोटा नागपुर से इनको लोहा प्राप्त हो गया, उस लोहे से क्या बनाया करते थे? ये मतलब औजार बनाया करते थे। और उन औजार का ना
ये युद्ध में क्या करते थे, प्रयोग करते थे। इस कारण से ना मगध साम्राज्य क्या होता था, सबसे सिरी प्रेस करना सर शक्तिशाली होता था। कीमती लकड़ी मिल गई, हाथी मिल गए, छोटा नागपुर से इनको क्या मिल गया, लोहा मिल गया। ये वो कारण थे जिसके कारण मगध साम्राज्य शक्तिशाली होता था। मैंने बताया था पहले किसी टाइम पे संपूर्ण महाजनपद 16 महाजनपदों में भारत बंटा हुआ था, और एक अखंड भारत का सपना जिस राजा ने देखा वो सम्राट अशोक हुआ था। सपना चंद्रगुप्त मौर्य ने जरूर देखा, लेकिन पूरा किसने किया था, सम्राट अशोक ने किया। 16 महाजनपदों की जानकारी बोध ग्रंथ पूछे तो किसमें मिलती है, बोध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में मिलती है। जैन ग्रंथ पूछे तो भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों की हमें क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। तो यहां से प्यारे बच्चों क्वेश्चन आगामी एग्जाम में आएंगे। सर आप कहां से लाइव हो, मैं फतेहाबाद स्टूडियो से गुड़िया लाइव हूं, ठीक है। तो यहां से आप एग्जाम में क्वेश्चन बनोगे। तो मैंने बताया था इनके ना जो आर्थिक कारण, यहाँ की भूमि उपजाऊ थी तो व्यापार, जो फसल ज्यादा होती अधिशेष बचता तो उसका व्यापार करते थे, तो ये समृद्ध लोग होते थे। भौगोलिक कारण गंगा जैसे सोन गंडक के मुहाने पर ये था, तो जिसके कारण और यहाँ पर आक्रमण करने की सोचते नहीं थे। इनकी राजधानी राजगृह पहाड़ियों से गिरी हुई थी, तो और इन पर आक्रमण नहीं करते, ये उन पर कर देते और उनको जीत लेते थे। और अगर पूछे ना जैसे ये उनके क्या थे, कुछ भौगोलिक कारण थे, छोटा नागपुर इनके हिस्से में था जिससे इनको ना अधिक मात्रा में लोहा मिला, उस लोहे से औजार बनाए जिनका युद्ध में इन्होंने प्रयोग किया, वहां से इनको हाथी मिले। और ये और राजनीतिक कारण, क्योंकि इसमें जितने भी वंश थे वो शक्तिशाली थे, हरियक वंश हो गया और नंद वंश हो गया, शिशु नाग वंश हो गया, मौर्य वंश हो गया, ये सारे शक्तिशाली थे। अब पढ़ेंगे प्यारे बच्चों हम किसके बारे में, जैसे मगध साम्राज्य का संस्थापक है ना किसको माना जाता है, मगध साम्राज्य का संस्थापक प्यारे बच्चों बृहदर्थ को माना जाता है। मगध साम्राज्य का फाउंडर या संस्थापक किसे कहा जाता है, तो मगध साम्राज्य का प्यारे बच्चों संस्थापक है ना ये बृहदर्थ को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, बृहदर्थ को कहा जाता है। और कितनी अजीब बात है, कहते हैं प्यारे बच्चों मगध साम्राज्य का ना जो अंतिम राजा होता था ना वो भी किसे कहा जाता है, जब मगध का पतन हो जाएगा शुंग वंश आएगा तो वो भी कौन होता था, बृहदर्थ होता था। और बृहदर्थ को कहते हैं पुष्यमित्र शुंग ने मार करना 184 ईसा पूर्व है ना किस वंश की स्थापना की थी, शुंग वंश की स्थापना की थी। तो शुंग वंश है ना जो पुष्यमित्र शुंग है वो इस मगध साम्राज्य का क्या होगा, मतलब इसको समाप्त करेगा। तो मगध का संस्थापक भी बृहदर्थ होता था, अंतिम राजा भी कौन होता था, बृहदर्थ। और पहला जो वंश आया था ना मगध साम्राज्य में वो कौन सा वंश आया था प्यारे बच्चों, हरियक वंश आया था। कौन सा वंश आया था, हरियक वंश आया था। पहला कौन सा वंश होता था, हरियक वंश होता था। इसका संस्थापक कहते हैं बिंबिसार होता था, बिंदुसार नहीं है ये, क्या था, बिंबिसार होता था। कहते इसके पिता का नाम भाटिये होता था, भाटिये है ना इनके क्या होते थे, पिता होते थे। इनके पिता का नाम क्या होता था, भाटिये होता था। तो हरियक वंश का संस्थापक कौन होता था, बिंबिसार होता था। इनके पिता का नाम भाटिये होता था। इनका शासनकाल है ना, क्योंकि प्यारे बच्चों मैं बताता हूं कि ईसा पूर्व से ना कभी टेन्योर से क्वेश्चन कभी नहीं बनेंगे। तो 500 अगर आप पढ़ोगे ना ये लगभग है ना 544 से लेकर इनका टेन्योर के से क्वेश्चन नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। 493 ईसा पूर्व कई किताबें, 492 ईसा पूर्व बोलती है, तो इनके टेन्योर से क्वेश्चन नहीं आएगा, राजा से क्वेश्चन आएगा। तो हरियक वंश का संस्थापक कौन होता था, बिंबिसार होता था। इसके पिता का नाम क्या होता था, भाटिये होता था। और कहते हैं बिंबिसार ने ना वैवाहिक संबंधों द्वारा, बिंबिसार ने क्या किया था, अपना साम्राज्य विस्तार किन संबंधों द्वारा किया था, वैवाहिक संबंधों द्वारा। वैवाहिक संबंधों द्वारा अपना साम्राज्य का क्या किया था, इसने विस्तार किया था। ये मतलब वैवाहिक संबंध बनाता था। और इतिहासकार कहते हैं बिंबिसार की 500 पत्नियां थी। अब आप आइडिया लगा सकते हो किस किस्म का ये क्या था, राजा था। 500 पत्नियां थी, यहां पर एक नहीं संभाली जाती। और सोचो ये 500 पत्नियों को कैसे संभाला करता था, साल में
365 दिन होते हैं एक पत्नी के पास, है ना, जाए साल साल 20 साल क्या दो, लगभग डेढ़ डेढ़ साल बीत जाया करता था। पहले जैसे प्रोफेसर सलीम कहते थे जहांगीर की 380 पत्नियां होती थी, तो प्यारे बच्चों मतलब किस कदर, मतलब यहाँ एक नहीं संभाली जाती, उसके ये ला दो वो ला दो, तो कितना इन पर बर्डन रहा होगा। ठीक है, तो लेकिन क्या था, ये क्या थे प्यारे बच्चों, 500 पत्नियां जरूर थी लेकिन फेवरेट 2-3 ही पत्नी होती थी। ये नहीं सोचो कि 500 इन्होंने पत्नियां क्यों बनाई साम्राज्य के विस्तार के लिए। अब कहीं पर भी गए वहां से शादी कर ली, तो वहां शादी कर ली तो वो साम्राज्य इनके पास है आ जाएगा। तो कहते हैं इन्होंने ना कौशल नरेश की बहन महाकौशला से शादी की थी। इन्होंने कौशल नरेश की बहन महा इन्होंने कौशल की राजकुमारी महाकौशला से क्या कर ली थी, शादी कर ली। इनको क्या मिल गया, महाकौशला से शादी कौशल मिल गया। पंजाब की राजकुमारी थी शेपा, शेपा जो हमारा हरियाणा पंजाब का एरिया था उससे शादी कर ली थी। ठीक है, और वैशाली की राजकुमारी होती थी उससे भी इसने क्या कर ली थी, जिसमें सबसे पहले जो वैशाली ऐसा था जिसमें सबसे पहले क्या आया था, लोकतंत्र आया था। कहते हैं चेलना से इसने क्या कर ली थी, शादी कर ली थी। ये पेपर में आता है वैशाली की चेलना से इसने क्या कर ली थी, शादी कर ली थी। किससे शादी कर ली थी, वैशाली की राजकुमारी चेलना से। और वैशाली जैसे है ना, मैंने आपको बताया था वज्जी महाजनपद होता था ना, उसकी कैपिटल वैशाली होती थी। उसमें सबसे पहले क्या आया था, लोकतंत्र आया था। और इसमें ना सबसे पहले लोकतंत्र आए तो लिच्छवी में आया था, और लिच्छवी की कैपिटल भी कौन सी होती थी, वैशाली होती थी। तो इसने वैशाली की राजकुमारी चेलना से क्या कर ली थी, शादी कर ली। और इसकी राजधानी से क्वेश्चन आता है कि बिंबिसार की राजधानी कौन सी होती थी, तो इसकी राजधानी राजगृह होती थी। तो पहले मगध महाजनपद की राजधानी कौन सी होती थी, राजगृह होती थी। बाद में उदयन पाटलिपुत्र बसाएगा, वो राजधानी बना लेगा उसको, तो इसकी राजधानी कौन सी होती थी, राजगृह होती थी। और कहते हैं इसका ना बिंबिसार है ना, ये बौद्ध धर्म को मानने वाला था। किस धर्म को मानने वाला था, बौद्ध धर्म को मानने वाला था। इसका एक फिजिशियन होता था जिसे हम राजवेद बोलते हैं। तो बिंबिसार का राजवेद कौन होता था, जीवक होता था, ये याद कर लेना। बिंबिसार का जो राजवेद होता था वो कौन होता था, जीवक होता था। जीवक है ना, किसका राजवेद होता था, बिंबिसार का राजवेद होता था। और एक बार कहते हैं प्यारे बच्चों कि महात्मा बुद्ध है ना, महात्मा बुद्ध है ना, वो क्या हो गए थे, बीमार हो गए थे। महात्मा बुद्ध क्या हो गए थे, बीमार हो गए थे। तो इसने अपना राजवेद कौन सा भेजा था, महात्मा बुद्ध की सेवा के लिए जीवक को भेजा था। ये क्वेश्चन है ना एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। एक बार ना महात्मा बुद्ध क्या हो गए थे, बीमार हो गए थे, तो महात्मा बुद्ध की सेवा के लिए इन्होंने अपना कौन सा राजवेद भेजा था, तो महात्मा बुद्ध की सेवा के लिए इन्होंने जीवक भेजा था। एक राजा होता था अवंती का राजा होता था प्रग्योत, क्या होता था, प्रग्योत होता था। और कहते हैं उसको पांडु रोग, आजकल आप पीलिया बोलोगे, उसको कौन सा रोग हो गया, पांडु रोग हो गया या पीलिया हो गया, तो भी उसने अपना राजवेद किसको भेजा था, जीवक को भेजा। ये याद कर लेना, अवंती के राजा प्रघ्योत को क्या हो गया था, पीलिया हो गया, तो भी इसने अपना राजवेद क्या भेजा था, जीवक। तो आप मान सकते हो ये ना प्यारे बच्चों कुछ है ना उदार राजा होता था। जैसे महात्मा बुद्ध को अगर ये मानता था तो आप मान सकते हो बौद्ध धर्म को मानता है, और बौद्ध धर्म है ना अहिंसा को मानता है, तो ये ज्यादा हिंसा में विश्वास नहीं करता था। युद्ध लड़ने की बजाय है ना वहां से ये क्या करके आ जाया करता था, शादी करके आया करता था। तो ये कहते हैं प्यारे बच्चों इसने ना वैवाहिक संबंधों द्वारा अपना साम्राज्य क्या किया था, विस्तार किया था। पिता का नाम इसके आए तो कौन सा था, भाटिया था। कैपिटल पूछे तो राजगृह को बनाया। कितनी शादियां की, लगभग 500 से ज्यादा इसने क्या की थी, शादी। हाँ सुनीता जी, पांडु रोग हो गया था जिसे आजकल हम क्या बोलते हैं, पीलिया। और पीलिए में मामा आजकल पिस्तौल भी देता है, वो थोड़ा सा आजकल से ट्रेंड बना हुआ है, तो ये पांडु रोग वही है। ठीक है, जिसे आजकल क्या बोलते हैं, हमें पीलिया बोलते हैं। ठीक है, तो वो पीलिया कोई और होता है, हरियाणा जी के पूछती है पीलिया है ना वो किस पर होता है, पुत्र रत्न की प्राप्ति पर पीलिया गाया जाता है। ठीक है, तो वो अलग चीज होती है। तो यहाँ से आगामी एग्जाम में प्यारे बच्चों क्वेश्चन है पेपर में पक्का
पूछा जाएगा। एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसका एक बेटा होता था अजात शत्रु, क्या होता था? अजात शत्रु। इसके बेटे का नाम क्या होता था? अजात शत्रु, जिसका कोई शत्रु ना हो, अजात शत्रु। अजात शत्रु ने ना अपने पिता की क्या कर दी? हत्या कर दी। इसलिए इस वंश को ना प्यारे बच्चों पितृ हत्यारा वंश भी कहा जाता है, पितृ हत्यारा वंश भी कहा जाता है। इस वंश को किस नाम से जाना जाता है? पितृ हत्यारा वंश के नाम से जाना जाता है, क्योंकि अजात शत्रु ने अपने पिता को मारकर क्या बना था? राजा बना था। इसलिए इस वंश को पितृ हत्यारा वंश भी कहा जाता है। और प्यारे बच्चों यहां से क्वेश्चन 493 ईसा पूर्व ये क्या बना था? अजात शत्रु राजा बना था 493 ईसा पूर्व, 544 से 493 ईसा पूर्व इसका पिता था। अब ये 493, ये प्यारे बच्चों सन से क्वेश्चन नहीं आएंगे, 493 ईसा पूर्व क्या बना था? ये राजा बना था। एक बार आया था प्यारे बच्चों कि इसने ना किसके कहने पर ना अपने पिता की हत्या की थी, ये क्वेश्चन आया था। देवदत्त के कहने पर इसने ना, देवदत्त के कहने पर अपने पिता की क्या कर दी थी? अपने पिता की क्या कर दी थी? इसने हत्या कर दी थी। और देवदत्त कहते हैं ये महात्मा बुद्ध का चचेरा भाई होता था। ये महात्मा बुद्ध का कौन सा भाई होता था? देवदत्त चचेरा भाई होता था। और इसके कहने पर ना इसने किसको मार दिया था? अपने पिता को मार दिया। और अजात शत्रु का उपनाम पूछा जाता है, कुणिक, ये रट लेना पक्का आएगा। कुणिक किसका उपनाम था? तो अजात शत्रु का दूसरा नाम क्या होता था? कुणिक होता था। क्या होता था प्यारे बच्चों? इसे अपने पिता को मारकर क्या बना था? राजा बना था। इसका दूसरा नाम क्या होता था? अजात शत्रु को हम अन्य किस नाम से जानते हैं? तो अजात शत्रु को हमें ना कुणिक के उपनाम से भी जानते हैं, ठीक है। एक बार पेपर में पूछा गया था, इसने ना देखो इसके पिता ने तो वैशाली की राजकुमारी चेलना से शादी की थी, तो पिता के तो संबंध वैशाली के साथ अच्छे होंगे, तो इसने अपने पिता को मार दिया, तो वैशाली के इसके मामा थे, मामा से भी संबंध टूट गया, तो कहते हैं इसने अपने मंत्री वसाकर की सहायता से ना इसने किसको जीता था? वैशाली को जीता। ये क्वेश्चन आता है, इसने अपने किस मंत्री की सहायता से वैशाली को जीता था? तो इसने अपने मंत्री वशाकर की सहायता से किसको जीतने का काम किया था? वैशाली को जीतने का काम किया था। और एक बार आया था ये दो प्रकार के रथ मुसल और महाशिला कंटक हथियार वह प्रयोग करता था। रथ मुसल और महाशिला कंटक, महाशिला कंटक ये दो क्या है? ये पत्थर के औजार थे। इनका ना ये क्या करता था? पत्थर के औजारों का क्या करता था? प्रयोग करता था। पेपर में आएगा ये किन औजारों का प्रयोग करता था? तो रथ मुसल और महाशिला कंटक नामक औजारों का क्या किया करता था? ये प्रयोग किया करता था। किन औजारों का प्रयोग करता था? रथ मुसल और महाशिला कंटक औजारों का क्या किया करता था? युद्ध में प्रयोग किया करता था। वशाकर की सहायता से वैशाली को जीता था। कुणिक इसका उपनाम था। और किस देवदत्त के कहने पर अपने पिता की हत्या कर दी? और देवदत्त है ना महात्मा बुद्ध का क्या माना जाता था? चचेरा भाई कौन होता था? तो महात्मा बुद्ध का चचेरा भाई कौन होता था? देवदत्त, ये पेपर में पूछा था। और एक बार पूछा गया था ये किस, ये है ना, और आधुनिक भारत का आजाद शत्रु है ना वो किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन आया था, आधुनिक भारत का आजाद शत्रु किसे कहा जाता है? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ना आधुनिक भारत का क्या कहा जाता है? आजाद शत्रु किसे कहा जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को आधुनिक भारत का आजाद शत्रु कहा जाता है। इसके टाइम में 483 ईसा पूर्व है ना महात्मा बुद्ध की क्या हुई थी? महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। और इसी के टाइम में 483 ईसा पूर्व है ना पहली बोध संगति हुई थी। और मैंने कहा था पहली बोध संगति 483 ईसा पूर्व है ना आजाद शत्रु के टाइम में हुई थी। और ये कहां पर हुई थी? राजगृह में हुई थी। कहां पर हुई थी? राजगृह में हुई थी। और मैंने कहा शादी के बाद जिसका घर पर राज चले वो क्या है? आजाद है, ठीक है। तो रथ मुसल महाशिला कंटक बिल्कुल ये हथियार प्रयोग किया करता था। और इसके टाइम में 483 ईसा पूर्व क्या हुई थी? ये जो पेपर में पूछा जाता है
क्या हुई थी इसके टाइम में, पहली बोध संगति हुई थी और महावीर स्वामी को भी इनके टाइम में महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। जैसे महात्मा बुद्ध को प्यारे बच्चों 483 ईसा पूर्व और उन महावीर स्वामी को 468 ईसा पूर्व, तो महापरिनिर्वाण की प्राप्ति है ना इन्हीं के टाइम में हुई थी। ये आगामी एग्जाम में क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा जा सकता है। अब अजात शत्रु, जैसे देखो प्यारे बच्चों आप जैसी खेती बोगे ना वैसे ही फल मिलेंगे। इसने क्या किया, अपने पिता को मारा। इसके पिता का नाम क्या था, इसके पिता का नाम बिंबिसार था। तो अपने पिता को मारकर राजा बनेगा तो इसका बेटा इसको मारकर राजा बनेगा। तो जिसी प्रकार पापा कहते थे अगर हम आम बोएंगे तो आम लगेंगे, बोया पेड़ बबूल का अमुआ कहां से होए। अगर आप बबूल बोओगे तो प्यारे बच्चों आम कहीं नहीं मिलेंगे। नरेश जी राम राम। ठीक है, अब बात आती है प्यारे बच्चों इसका बेटा कौन होता था, उदयन होता था। और उदयन ने अपने पिता को मार दिया। उदयन किसको मारकर, आजाद शत्रु को मारकर क्या बना, आजाद शत्रु को मारकर क्या बना था, राजा बना था। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों, पितृ हत्यारा वंश कहा जाता है। और उदयन ने कहते हैं प्यारे बच्चों पाटलिपुत्र, नीतू जी गुड आफ्टरनून, कहते हैं इसने पाटलिपुत्र को बसाने का काम किया था। ये गंगा गंडक सोन नदी के मुहाने पर इसने ना, उदयन ने गंगा गंडक और सोन नदी के मुहाने पर इसने क्या बसाया था, पाटली पुत्र बसाया था। और पाटली पुत्र को आजकल ना हम क्या बोलते हैं, पटना बोलते हैं। और पाटली पुत्र को पटना नाम दिया था शेरशाह सूरी ने दिया था। ये क्वेश्चन आ सकता है, पाटली पुत्र को पटना नाम किसने दिया, शेरशाह सूरी। 1540 से 1545 तक इनका जो जीवन है, जीवन काल नहीं राजकाल है। और शेरशाह सूरी का मकबरा है ना वो सासाराम बिहार में रहेगा। ये भी आ सकता है शेरशाह सूरी का मकबरा कहां पर रहेगा, सासाराम बिहार में शेरशाह सूरी का मकबरा है। एक इतिहासकार होते थे कनिंगम, वो लिखा करते थे कि शेरशाह सूरी का मकबरा है ना वो ताजमहल से भी क्या है, ज्यादा सुंदर है। पेपर में आता है ये किस इतिहासकार ने लिखा था कि शेरशाह सूरी का मकबरा जो सासाराम बिहार में है वो ताजमहल से भी ज्यादा सुंदर है। ये कनिंगम नामक इतिहासकार ने ये बात लिखी थी। आगामी एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो इसने ना पाटलिपुत्र को बसाने का क्या किया था, काम किया था। और कहते हैं इसने ना पाटलिपुत्र को राजधानी भी बना दिया। पाटलिपुत्र को बसाया और उसको क्या बना लिया, अपनी राजधानी भी बना लिया। क्या बना लिया, अपनी राजधानी। और ये याद कर लेना उदयन है ना ये जैन धर्म को मानता था। किस धर्म को मानता था, उदयन है ना ये जैन धर्म को मानने वाला क्या होता था, राजा होता था। पाटलिपुत्र का निर्माण कराया, राजधानी। बिल्कुल सुनीता जी, इसने पाटलिपुत्र का निर्माण भी करवाया और पाटलिपुत्र को क्या बना लिया था, अपनी राजधानी। इससे पहले जो राजधानी होती थी ना वो कौन सी होती थी, राजगृह राजधानी होती थी। इससे पहले कौन सी राजधानी हुआ करती थी, राजगृह राजधानी होती थी। अब इसके बाद राजधानी कौन सी बन गई थी, पाटलिपुत्र, जिसे आधुनिक टाइम में क्या कहा जाता है, पटना कहा जाता है। और पाटलिपुत्र को पटना नाम किसने दिया था, शेरशाह सूरी ने पाटलिपुत्र को क्या नाम दिया था, पटना नाम दिया था। आगामी एग्जाम में ये सारे के सारे क्वेश्चन प्यारे बच्चों आगामी एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। मैं तो कहता हूं डिटेल से एक बार चीजों को पढ़ने की कोशिश करो और उसके बाद कितने मर्जी एग्जाम दे देना और अगर यहां से क्वेश्चन आए तो आपका गलत। हाँ बिल्कुल सुनीता गुड़िया, ये किस धर्म को मानता था, ये जैन धर्म को मानने वाला राजा होता था। ये पेपर में क्वेश्चन आता है। अब प्यारे बच्चों कहते हैं इस वंश का अंतिम राजा नाग दशक होता था। इस वंश का अंतिम राजा कौन होता था, नाग दशक होता था। और नाग दशक को किसने मारा था, शिशु नाग ने मारा था। किसने मारा था, शिशु नाग ने मारा। और किस वंश की स्थापना होगी, शिशु नाग वंश की स्थापना होगी। तो पेपर में पूछेगा नाग दशक को किसने मारा था, तो नाग दशक को शिशु नाग ने मारा था। और किस वंश की स्थापना होगी, शिशु नाग वंश की होगी। हरियक वंश का संस्थापक बिंबिसार होता था और बिंबिसार की कैपिटल राजगृह होती थी। वैवाहिक संबंधों द्वारा वो मतलब साम्राज्य विस्तार करता था और पिता का नाम भाटीय होता था। 544 से 493 ईसा पूर्व राजा रहा, कई किताबें 492 ईसा पूर्व बताती है, वहां से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। और ये क्वेश्चन आपसे पक्का पूछा जाएगा कि उसने ना पंजाब की राजकुमारी शेप्पा से, कौशल नरेश की बहन महाकौशला से,
और वैशाली की राजकुमारी चेलना से उसने क्या कर ली थी, शादी कर ली थी, और उसके ना जो बेटा था अजात शत्रु ने उसकी क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी। और बिंबिसार का राजभेद होता था जीवक, उसने ना अवंती के राजा प्रज्ञात को पांडु रोग हो गया सेवा में भेजा, और महात्मा बुद्ध की सेवा में भी राजभेद जीवक को भेजा, अजात शत्रु ने मार दिया। अजात शत्रु का उपनाम कुणिक होता था। पहली बोध संगति हुई थी, रथ मुशल और महाशिला कंटक वो हथियार प्रयोग किया करता था। वैशाली को बसाकर की सहायता से जीता, देवदत्त के कहने पर अपने पिता को मार दिया। फिर उदयन राजा बना, उसने पाटलिपुत्र को बसाया, वो जैन धर्म को मानने वाला क्या था राजा, अंतिम राजा नाग दशक था, जिसको शिशु नाग ने मारकर शिशु नाग वंश की स्थापना की। ये पेपर में आएगा। अब प्यारे बच्चों, शिशु नाग वंश है ना, मैंने आपको बता दिया, ठीक है, शिशु नाग वंश है ना, यहां से ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाएंगे प्यारे बच्चों कि कब से कब तक था, लेकिन फिर भी है ना, शिशु नाग वंश है ना, 412 ईसा पूर्व कौन सा वंश आया था, शिशु नाग वंश आया था, शिशु नाग वंश आया था, 412 ईसा पूर्व आया था। और शिशु नाग वंश है ना, इसने किस वंश का अंत किया था, हर्यक वंश का अंत किया, और यक वंश के अंतिम राजा नाग दशक को मारकर शिशु नाग ने शिशु नाग वंश की स्थापना की। और आपसे पूछा जाएगा प्यारे बच्चों, इसने अपनी राजधानी किसको बना लिया था, वैशाली को बना लिया। पहले राजधानी राजगृह होती थी, उदयन ने पाटलिपुत्र बनाई। इसने ये जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं ना प्यारे बच्चों, मैंने उनको सभी को शॉर्ट लिस्टेड किए हुए हैं। आपको पता है आगामी एग्जाम में भी ये क्वेश्चन है पक्के बनेंगे, तो जितने एग्जाम होते हैं ना, मैं उनको साथ साथ नोट करता हूं कि किस एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आया हुआ था। अब पेपर में और भी क्वेश्चन बनेंगे ना, वो सारे बताता हूं। कहते इसने वत्स, कौशल और अवंती को भी जीता था, ठीक है। शिशु नाग ने क्या किया, इसने वत्स को भी जीता, ठीक है, वत्स को भी जीता, अवंती को भी जीता। देखो, अवंती के राजा प्रज्ञात को पांडु रोग हो गया, तो हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार ने जीवक को भेजा, तो अवंती के संबंध है ना हर्यक वंश के साथ अच्छे थे, लेकिन शिशु नाग वंश के साथ अच्छे नहीं थे। इसने कहते हैं कौशल को भी जीता, जिसके कैपिटल श्रावस्ती होती थी, कौशल महाजनपद को भी इसने जीता। इसने वंश को जीता, जिसकी कैपिटल कौसाम्बी होती थी, आप पढ़ते हो साकेत। अवंती को भी जीता, जिसकी कैपिटल उज्जैनी होती थी। कौशल को भी जीता, जिसकी कैपिटल श्रावस्ती होती थी। तो ये पेपर में यहाँ से क्वेश्चन आएगा, किसकी बात हो रही है, शिशु नाग की बात हो रही है। और इसने ना, ठीक है, वत्स को, अवंती को, कौशल को जीतने का काम किया, और इस वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन को बताया गया था, ठीक है। हाँ, पहले यह याद कर लेना, शिशु नाग है ना, ये हर्यक वंश का क्या होता था, अमात्य होता था। अमात्य बोलते हैं सेनापति को होता है। पहले इसने हर्यक वंश के सारे राज पता किए, और वही है घर का वेदी लंका ढाए, और बाद में उसी लंका को इसने ढा दिया, ठीक है। पहले हर्यक वंश में रहा, तो इसने सारे के सारे वहां के राज पता किए, और बाद में उसी को क्या कर दिया, इसने खत्म कर दिया। तो इसके ये राजधानी है ना कौन सी होती थी, शिशु नाग की वैशाली होती थी, अमात्य होता था। और इसके बाद इसका जो बेटा राजा बना, उसका नाम क्या होता था, कालाशोक होता था। क्या होता था, इसके बेटे का नाम कालाशोक होता था। और कालाशोक को है ना अन्य किस नाम से जाना जाता था, काक वर्ण के नाम से जाना जाता था। और कालाशोक के टाइम में कहते हैं 383 ईसा पूर्व है ना दूसरी बोध संगति हुई थी, दूसरी बोध संगति हुई थी। और दूसरी बोध संगति कहां पर हुई थी, वैशाली में हुई थी। मैंने कहा था काला काली कौन शाली, ठीक है, तो वैशाली में दूसरी बोध संगति हुई थी। वंदना जी गुड नून गुड़िया, ठीक है। तो ये पेपर में पूछा गया था, और इस वंश का अंतिम राजा कौन होता था, शिशु नाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन होता था। कौन होता था, नंदीवर्धन को कहते हैं महा पद्मा। नंद ने नंदीवर्धन को मार करना किस वंश की नींव रखेगा, नंद वंश की नींव रखेगा। तो शिशु नाग वंश है ना, इससे रिलेटेड यही क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। हाँ, पहले काशी का सूबेदार होता था, वही बात है, ये शिशु नाग है ना वो मतलब अमात्य होता था, सेनापति होता था। इसने इसने वैशाली बना ली थी, ठीक है। हाँ, जनता द्वारा शिशु नाग को, वही है, तो इसने किसकी हत्या कर दी थी, अंतिम राजा होता था ना,
काला शोक उसकी क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी। फिर जनता ने कहा कि आप है राजा बन जाए तो इसने ना कैपिटल पूछा जाएगा इसकी कौन सी होती थी, वैशाली होती थी। तो पहले शिशुनाग से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आए, आएंगे शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग होता था। इसने हरियक वंश को क्या किया था, समाप्त किया था। इसने वत्स को जीता था, ठीक है, और अवंती को जीता था, कौशल महाजनपद को जीता था, और ये अमात्य होता था, सेनापति होता था। इसका बेटा काला शोक राजा बना था और उसे काकवर्ण कहा जाता था, वो भी शक्तिशाली था। 383 ईसा पूर्व में दूसरी बौद्ध संगति हुई। अंतिम राजा नंदीवर्धन होता था जिसको महापद्मानंद ने हराया। अब हम कौन सा वंश पढ़ेंगे, अंतिम में नंद वंश पढ़ेंगे। कौन सा वंश पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, नंद वंश पढ़ेंगे। नंद वंश, नंद वंश है ना, इसका संस्थापक कौन होता था, महापद्मा नंद होता था। यह क्वेश्चन पक्का आएगा, नंद वंश का संस्थापक महापद्मानंद होता था। और महापद्मानंद के दरबार में ना एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम होता था पाणिनि, जो संस्कृत के बहुत बड़े क्या होते थे, विद्वान होते थे। ये संस्कृत के क्या होते थे, बहुत बड़े विद्वान होते थे। और पाणिनि ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, अष्टाध्यायी पुस्तक लिखी थी। और इस अष्टाध्यायी पर टीका लिखने का काम करेंगे पतंजलि, और पतंजलि की उस पुस्तक का नाम क्या होगा, महाभाष्य होगा। ये अष्टाध्यायी पर क्या थी टीका, टीका का मतलब क्या होता है कि अष्टाध्यायी है ना, सही से अगर लोगों को समझाने का, लिखी तो पाणिनि ने थी, और लोगों को सही से समझाने का काम किसने किया था, तो वो किया था पतंजलि, जो पुष्यमित्र सुंग के दरबार में रहा करता था। दो इसने अश्वमेध यज्ञ भी करवाए थे पतंजलि। वो जब हम सुंग वंश पढ़ेंगे ना तब वहां पर डिटेल में पढ़ेंगे। तो पाणिनि की पुस्तक का नाम अष्टाध्यायी होता था, संस्कृत पर टीका, ये सारी चीजें है ना। नंद वंश का संस्थापक कौन होता था, महापद्मानंद। और कहते हैं वैसे है ना, नंद वंश में 10 राजाओं का वर्णन मिलता है, लेकिन हमें पहला और दसवां पढ़ना होगा। दसवां कौन सा होगा, धनानंद इस वंश का कौन सा राजा होता था, दसवां राजा होता था। आप साथ साथ है ना चीजों को नोट करते चलना। अब बात आती है, पेपर में पूछा गया था कि महापद्मानंद है ना, ये पहला शूद्र राजा था महापद्मानंद। यहां से क्वेश्चन आएंगे, महापद्मानंद ये क्या था, भारतीय इतिहास का पहला शूद्र राजा था। इससे पहले कोई शूद्र राजा नहीं बनते थे। इसे प्यारे बच्चों सर्व क्षत्रिय हत्यारा कहा जाता है, सर्व क्षत्रिय हत्यारा, यानी क्षत्रियों को मारने वाला किसे कहा जाता है, महापद्मानंद को क्या कहा जाता है, क्षत्रियों को मारने वाला सर्व क्षत्रिय हत्यारा किसे कहा जाता है, महापद्मानंद को कहा जाता है। तो महापद्मानंद को क्या कहा जाता है, सर्व क्षत्रिय हत्यारा कहा जाता है। ये आगामी एग्जाम से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इसको क्या कहा जाता है, सर्व क्षत्रिय हत्यारा कहा जाता है, क्षत्रियों को मारने वाला। और इसीलिए ना इतिहास में इनको दूसरा परशुराम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दूसरा परशुराम कहा जाता है, ठीक है। भगवान ये है ना परशुराम है ना, ये भगवान विष्णु के अष्टम अवतार थे, भगवान विष्णु जी के, या आप मैं कहूं लक्ष्मी नारायण जी के, लक्ष्मी नारायण जी के कौन से अवतार थे, आठवें अवतार किसे माना जाता है, भगवान परशुराम को ना, भगवान विष्णु का कौन सा अवतार माना जाता है, आठवां अवतार माना जाता है। और ये भी पूछा जाता है, गुरु जम्बेश्वर भगवान को भी, गुरु जम्बेश्वर भगवान को भी किसका अवतार माना जाता है, लक्ष्मी नारायण या भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। ये कौन सी जाति मानती है, तो ये विष्णुई जाति मानने का काम करती है। आगामी एग्जाम में भी प्यारे बच्चों यहां से क्वेश्चन बनेंगे। और कहते हैं इसको ना उग्रसेन की उपाधि धारण की थी, इसकी उपाधि कौन सी थी, उग्रसेन की भी इसने उपाधि धारण की थी। और कहते हैं भारतीय इतिहास का पहला राजा था जिसने एकराट की उपाधि धारण की थी, भारतीय इतिहास का पहला राजा था जिसने एकराट, ये उपाधि रट लेना पक्की आएगी, 2000 का नोट डाल कर लिख लेना, ये क्वेश्चन पक्का आएगा, 5 स्टार है, ठीक है। एकराट की उपाधि धारण करने वाला भारतीय इतिहास का एकमात्र शासक कौन होता था, तो महापद्मानंद होता था। ये कहते हैं प्यारे बच्चों कलिंग से ना, ठीक है, जिसे आप पढ़ोगे कलिंग को ना सम्राट अशोक से पहले किसने जीता, तो कलिंग को सम्राट अशोक से पहले महापद्मानंद ने जीता। और कलिंग कहते हैं प्यारे बच्चों जो उड़ीसा का एरिया था ना, ठीक है, तो इसकी कलिंग विजय का वर्णन है ना खारवेल, एक कलिंग का राजा होता था खारवेल, उसके आथी गुफा अभिलेख से ना
कलिंग विजय का वर्णन मिलता है। तो कहते हैं कलिंग को इसने ना हाथियों को जीतने के लिए भी सम्राट अशोक ने कलिंग को जीता, तो इसने भी कलिंग को जीता था सम्राट अशोक से पहले, ये पेपर में आएगा। और ये जैन धर्म को मानता था और कहते हैं जीत सेन की मूर्ति ले आया ये थे, ठीक है। ये कोई जीत सेन है ना, ये जैन धर्म की प्रमुख मूर्ति मानी जाती थी, इसको कहां पर ले आया था, ये मगध साम्राज्य में इस मूर्ति को ये ले आया था, ठीक है। तो ये किस धर्म को मानता था, जैन धर्म को मानने वाला ये शासक होता था। ये आगामी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा, ये किस धर्म को मानने वाला राजा था, ये जैन मूर्ति थी, जीत सेन की जैन मूर्ति को ये मगध साम्राज्य में ले आया, और ये पेपर में पक्का आएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। एक राट की उपाधि धारण की थी, नंद वंश का संस्थापक होता था, पाणिनि इसके दरबार में रहता था, अष्टाध्यायी का रचनाकार, और इस वंश का अंतिम राजा होता था ना, आप देख सकते हो साइड में हो जाता हूं, इस वंश का अंतिम राजा होता था ना वो धनानंद होता था। धनानंद इस वंश का क्या होता था, अंतिम राजा होता था, अंतिम राजा होता था। और धनानंद है ना ये किसका समकालीन होता था, सिकंदर का समकालीन होता था। 326 ईसा पूर्व है ना सिकंदर ने युद्ध लड़ा था ना पंजाब के राजा पोरस के साथ, उसने युद्ध लड़ा था और उस युद्ध का नाम था हाइडे स्पीच का युद्ध। कल है ना मैं भारत पर पहले विदेशी आक्रमण पढ़ाऊंगा, तब सिकंदर के बारे में मैं आपको बताऊंगा डिटेल से। सिकंदर के पिता का नाम क्या होता था, फिलिप होता था। अच्छा रिपीट सुनीता जी, तो नंद वंश का संस्थापक घनानंद होता था, ये महापद्मानंद होता था, पाणिनि उसके दरबार में रहता था, वो उसको ये पहला शूद्र राजा था, शरव क्षत्रिय हत्यारा कहते हैं, उसने ना क्षत्रियों को मारा था, और भगवान दूसरा परशुराम कहा जाता है इसको, और क्योंकि परशुराम ने 21 बार क्षत्रियों का विनाश किया था, तो इसने भी मतलब क्षत्रियों को मारा था। एक राट की उपाधि धारण की थी महापद्मानंद ने, उग्र सेन कहा जाता है, जीत सेन की मूर्ति ले आया था, और जैन धर्म की मूर्ति थी तो ये जैन धर्म को मानने वाला था। सम्राट अशोक से पहले इसने कलिंग को जीता था, इतने ही क्वेश्चन आएंगे। इस वंश के वैसे 10 राजाओं का वर्णन मिलता है, लेकिन इस वंश का अंतिम राजा कौन होता था, धनानंद इस वंश का अंतिम राजा होता था, जिसके टाइम में सिकंदर ने भारत पर युद्ध किया था, वो राजा पोरस से उसने युद्ध किया था। और ये कहते हैं धनानंद है ना एक घमंडी राजा होता था, और कहते हैं एक बार ना एक सभा चल रही थी विद्वान व्यक्तियों की, और उस सभा में ना कुर्सी जो रखी हुई थी, और कहते हैं उस कुर्सी पर इसने कहा विद्वान लोग बैठना, और विद्वानों को बुलाया था, तो चाणक्य है ना आगे जाकर बैठ जाता है, क्योंकि हमें खुद को हम बुद्धिमान लगते हैं, तो इसने चाणक्य का अपमान किया और धक्का मारा, और कहते हैं चाणक्य की ना चोटी खुल गई थी, ब्राह्मण था, और बाद में उसने कहा मैं चोटी है ना ये तभी बांधूंगा जब इस घमंडी राजा का घमंड दूर ना कर दूं। बाद में कहते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से धनानंद को हराएगा, और वो चाणक्य नीति होगी। बाद में चाणक्य ने अपना प्रतिशोध का क्या लिया था, बदला लिया था। वंदना जी आपकी प्रॉब्लम बताइए गुड़िया, ठीक है। तो ये आगामी एग्जाम में क्वेश्चन पक्का आएगा। तो इसे यूनानी है ना अगरमीज के नाम से जानते थे, धनानंद को ना यूनानी क्या कहते थे, अगरमीज के नाम से जानते थे। धनानंद को यूनानी किस नाम से जानते थे, अगरमीज के नाम से जानते थे। और फिर प्यारे बच्चों 322 ईसा पूर्व है ना इस धनानंद को कौन हराएगा, चंद्रगुप्त मौर्य हराएगा। मौर्य वंश पढ़ाऊंगा ना तब मैं आपको सारी डिटेल बताऊंगा। चंद्रगुप्त मौर्य है ना इस नंद वंश को क्या कर देगा, समाप्त कर देगा। तो ये था प्यारे बच्चों आज का टॉपिक। हमने 3 वंश पढ़ लिए, हमने सबसे पहले हर्यक वंश पढ़ा, संस्थापक बिंबिसार होता था, मगध का संस्थापक ब्रीदर था, अंतिम भी ब्रीदर था, और मगध का अंत करेगा सुंग वंश, पुष्यमित्र सुंग ब्रीदर को मारकर। तो हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार, कैपिटल राजगृह, 500 शादियां की वैवाहिक संबंध द्वारा स्थापित साम्राज्य विस्तार किया पंजाब की शेपा से और वैशाली की चेलना से, और कौशल नरेश की बहन महाकौशला से शादी की थी, और उसने ना मतलब अपना राजवेद जीवक महात्मा बुद्ध की सेवा में और राजा प्रघ्योत की सेवा में भेजा था, और उसके बाद उसका बेटा अजात शत्रु राजा बना, इसीलिए इस वंश को पितृ हत्यारा कहा जाता है। अजात शत्रु ने देवदत्त जो महात्मा बुद्ध का चचेरा भाई था उसके कहने पर अपने पिता को मारा। अजात शत्रु का उपनाम पुणिक होता था, वैशाली को वस्साकर की सहायता से जीता था, रथ मुसल और महाशिला कंटक हथियार प्रयोग करता था,
और अजात शत्रु के बाद है ना जो उदयन बना था, और उदयन भी जैन धर्म से अनुयायी था और बौद्ध धर्म का अनुयायी कौन था, बिंबिसार होता था। ठीक है, यहां से आगामी एग्जाम में क्वेश्चन पक्के जरूर आएंगे प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत है नहीं है। ठीक है, यहाँ से पेपर में क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अंतिम राजा है ना इस वंश का उदयन है ना, उसने अपने पिता अजात शत्रु को मारा जिसका उपनाम कुणिक था, और उदयन ने गंगा और गंडक सोन के मुहाने पर पाटलिपुत्र बसाया, उसको राजधानी बनाया, पाटलिपुत्र को पटना नाम दिया। शेरशाह सूरी ने इस वंश का अंतिम शासक नाग दशक होता था जिसको शिशु नाग ने मारा। शिशु नाग वंश की स्थापना 412 ईसा पूर्व की, और शिशु नाग है ना उसने किसको जीता था, वैशाली को, अवंती को जीतने का और कौशल को जीतने का काम किया। वो अमात्य होता था इनका, और उसका बेटा कालाशोक राजा बना, उसको काकवर्ण कहा जाता है। उसके टाइम में दूसरी बौद्ध संगति का आयोजन किया गया। अंतिम राजा नंदीवर्धन था जिसको महापद्मानंद ने हराया, और नंद वंश का संस्थापक होता था महापद्मानंद है ना, वो जैन धर्म को मानता था। जीत सेन की मूर्ति ले आया, और महापद्मानंद ने एकराट की उपाधि धारण की, सर्वक्षत्रिय हत्यारा कहा जाता है। दूसरा परशुराम कहा जाता है, पाणिनि उसके दरबार में रहता जिसने अष्टाध्यायी लिखी। अंतिम राजा धनानंद था जो घमंडी था, चाणक्य का अपमान किया और सिकंदर का समकालीन था, और बाद में चंद्रगुप्त मौर्य इस वंश का अंत कर देगा। ये चीजें हैं, साथ साथ याद होनी चाहिए आपको। अब बताओ आपके मतलब ये टॉपिक समझ आया या नहीं आया। तीन वंश कंप्लीट हो गए हैं, कल भारत पर विदेशी आक्रमण पढ़ाऊंगा, उसके बाद आपको ना प्यारे बच्चों मौर्य साम्राज्य शुरू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही है, लेक्चर कैसा लगा हर बच्चा कॉमेंट करके जरूर बताए। कल आपसे दोबारा रूबरू होंगे, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।